Hey guys, salam, namaste. Hope you guys are doing great and I pray for your good health. Guys, मैंने सुना है कि प्यार करने वाले डरते नहीं और वो जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं. बट यहाँ पे जो माहौल है बहुत उल्टा है. कैसे? Let's analyze. प्यार अगर हासिल ना हुआ तो लोग क्या करते हैं? एक दूसरे के लिए जान दे देते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं. लड़के तो और भयंकर काम करते हैं. क्या करते हैं? लड़कियों के चेहरों पे एसिड मारते हैं, जैसे इनका बाप का माल है भोसड़ी वालों का. हाँ, और उस लड़की की जिंदगी बर्बाद ना, वो किसी को शक्ल दिखा सकते हैं क्या? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे डू ऑल दिस थिंग्स. इट इज वेरी स्टुपिडिटी. सी, लव हैज टू बी अनकंडीशनल, देन ओनली इट इज कॉल्ड लव. दैट मीन्स आप किसी को प्यार कर रहे हो तो उसके बदले कुछ नहीं चाह रहे हो, सिर्फ प्यार ही चाह रहे हो. बट यहां पे अगर आप जोर जबरदस्ती करके किसी को अपनाओगे, प्यार करोगे, उसको दुख दोगे और उसको जबरदस्ती अपनी जिंदगी में रखोगे, तो वो प्यार सिर्फ एक तरफा होगा. तो मैं क्या बोलता हूं लोगों को, प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस. दिस नॉनसेंस इज ओनली बुलशिट. प्यार करो किसी से भी. यू कैन फॉल इन लव एट फर्स्ट साइट, यू कैन फॉल इन लव एट द 10th साइट. मोहब्बत करो, प्यार करो, एक दूसरे को समझो, डू एवरीथिंग. बट उसके लिए अगर वो लड़का नहीं मिल रहा है तो अपनी नसें काटने की जरूरत नहीं है, सूली पे लटकने की जरूरत नहीं है, जाके मरने की जरूरत नहीं है, आत्महत्या करने जैसी घिनौनी हरकत करने की जरूरत नहीं है. लड़की अगर मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं हुई, तेरे बाप का माल नहीं है बहनचोद, तो उसको जाके एसिड डालने की जरूरत नहीं है. अगर वो नहीं मिली तो समझ ऊपर वाले ने तेरे लिए कुछ और बेहतर रखा है, कुछ और बेहतर सोच के रखा है, या शायद वो आगे चल के तेरे साथ देने वाली नहीं है, देने वाला नहीं है. तो आई पर्सनली फील, आप क्या फील करते हो आप बैठ के सोचो, और लोग क्या फील करते हैं प्लीज, अगर आप कमेंट शेयर वॉट एवर यू वॉन्ट टू यू नो राइट टू अस, इट्स इट वुड बी ग्रेट. बट प्लीज डोंट डू ऑल दिस स्टूपिड हरकत, ये स्टूपिड चीजें मत करो. प्यार करो, प्यार पहलाओ, माँ बाप की राजी रहनी चाहिए, रिश्तेदारों की राजी रहनी चाहिए, तभी आपकी जिंदगी में खुशी रहेगी. और प्यार करने से कोई एतराज नहीं है, कोई किसी का एतराज नहीं है. ये दिल है, दिल है कि मानता नहीं, समझ में बात. तो आई रिक्वेस्ट यू गाइज के अपने आप के दिल को समझो कि दूसरे का दिल क्या चाहता है, उसके दिल को समझो. उसके अलावा ये बेहुदी टाइप की हरकतें करना, काटना, लटकना, मारना, ये सब मत करो. तंग मत करो किसी को, क्योंकि लव इज अनकंडीशनल, प्योरली अनकंडीशनल. एंड मनी कैनॉट बाय लव. प्लीज डोंट फ्लॉन्ट योर मनी इन फ्रंट ऑफ गर्ल्स. गर्ल्स डोंट रन फॉर मनी. And this will not last forever. The only thing which will last is love. So spread love, love each other, be happy, have consensus with the family, approach people who will help you, and do something good so that your life become goods. I request, if you like our talk and if you think that it is going to be good for everybody, please comment, write, share and subscribe to our channel, and hope to see you guys again. Adios.